हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। कार्तिकिया 2, अब देखो यार ये मूवी का क्रेज अच्छा खासा बना हुआ है एंड मैं दिल से चाहता हूँ इस मूवी को स्क्रीन्स मिले, क्योंकि जितना भी इसको स्क्रीन्स मिला हुआ है ना भाई, टोटली हाउसफुल चल रहा है एंड लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं एंड स्क्रीन हिंदी में मिल भी रहा है। तो कब मिल रहा है ना, शाम के 6 बजे का एक शो मिल गया, रात के 9 बजे का शो एक मिल गया, बस खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि इस मूवी के साथ क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरीके का इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंड मूवी को किस तरीके से देखना पड़ेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। बिकॉज अभी भी देखो यार, इसको हिंदी में इतना कुछ स्क्रीन मिला ही नहीं है, कुछ नहीं मिला है। एंड आप लोग बोलते हो उसको स्क्रीन मिला भी है तो भाई वो उसको इंग्लिश सबटाइटल्स में रिलीज कर रही है, तेलुगु। अब मेरे को एक बात बताओ यार, अब जो मूवी होता है पैन इंडिया रिलीज हो रहा है, उसको हिंदी ऑडियंस जो होती है नॉर्थ की साइड अगर आप रिलीज करते हो तो पब्लिक को चाहिए कि भाई वो मूवी हमारे एरिया में इन हिंदी लगे। भाई विद सबटाइटल्स लग रही है उसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है भाई। इस तरीके से सारी की सारी मूवीज लगती है भाई, इन तेलुगु, इन तमिल, इन मलयालम, भाई इस तरीके से सारी की सारी मूवीज लगती है। हमको हिंदी मांगता है बट हिंदी अभी तक इसका इतना कुछ दिखा नहीं है कि इसका कुछ शो लगाओ। देखो सबसे पहले था इसके संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं, साउथ में जबरदस्त क्रेज है इसका। हिंदी का कुछ एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे, हालांकि एक मजाक ही उड़ा रहे हम इसका, एडवांस बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अपना मजाक बना रहे, इस मूवी का मजाक बना रहे, क्योंकि यार काय की एडवांस बुकिंग कुछ शो नहीं है तो फिर भी हम नजर डालेंगे इसका एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। सबसे पहले साउथ की बात करते हैं। एक्चुअली देखो साउथ के अंदर ना हैदराबाद, भाई ये हैदराबाद में गजब गजब मतलब 1 करोड़ तक का एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हुआ है, 1 करोड़। मतलब यार देखो साउथ में कार्तिकिया 2 का क्रेज अब देखो हर जगह हाउसफुल चल रहा है, देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। 1 करोड़ का ऑलमोस्ट एडवांस बुकिंग इन हैदराबाद में हुआ है। बेंगलुरु की बात करें 16 लाख, चेन्नई की बात करें ऑलमोस्ट 6 लाख, विजयवाड़ा 15 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। उसके बाद आप देखो वाइजैक विशाखापट्टनम 19 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है, बाकी का निजामाबाद 2 लाख है ना आप, फिर उसके बाद गुंतूर 4.26 लाख, नेशनल कैपिटल 1.31 लाख। जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में एक्चुअली ये भी तेलुगु का ही मैं बता रहा हूं, वहां पर भी जो हिंदी शोज है ना उसका कितना हुआ है मैं आपको बताता हूं, बट हिंदी में वहां पर भी इतने कुछ खास शो मिले नहीं है। ये मैंने कुछ आपको जहां पर ज्यादा भर भर के एडवांस बुकिंग हुई वो बता दिया, बाकी का तो और बहुत है जहां पर 50,000-30,000 ऐसा का एडवांस बुकिंग हुआ है। ये देखो यार, ये तो फिर भी हमको समझ आता है कि भाई मजा आ रहा है, चलो ठीक है साउथ का है, बट मैं आपको है ना अब मैं आपको हिंदी का हाल बताता हूं, हिंदी का। एंड हिंदी का जो हाल है ना, मैं आपको क्या बोलूं, मुंबई की बात करते हैं, मुंबई जहां से हिंदी में अगर आपकी मूवी रिलीज होती है तो सबसे ज्यादा कलेक्शन वहां से आता है, आपको पता होगा। तो मुंबई का मैं आपको बताता हूं, मुंबई में जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है ना 1.5 लाख रुपीज का, 1.51 लाख, 1.5 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है, 20 शोज मिले, हाउसफुल कोई भी नहीं है। नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में 1,20,000, मतलब 1.5 लाख भी नहीं है, 2 लाख भी नहीं है, 1,20,000 रुपीज, 2 ऑलमोस्ट हाउसफुल है। शोज कितने मिले इसको, 9 इन हिंदी, मतलब संडे के दिन पूरे के पूरे दिल्ली में हिंदी के अंदर कार्तिकिया 2 को 900 मिले, 2 ऑलमोस्ट हाउसफुल है। अब आप बताओ मेरे को क्या चल रहा है भाई। पुणे की बात करते हैं, 1.28 लाख, 1,600, 0 हाउसफुल। अहमदाबाद 75,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है, 75,000, 1 लाख का भी नहीं हुआ। अब इसमें क्या है ना, 2,300 मिले, 0 हाउसफुल। सूरत 46,000, 1,700, 0 हाउसफुल, मतलब ऑलमोस्ट हाउसफुल भी नहीं है, मतलब ये चीज चल रही है। चंडीगढ़ 20,000, 300 मतलब वही बोल रहा हूं ना मैं, मजाक बन रहा है, मजाक हिंदी में इसका। अब इसमें गलती किसका है, अब अपन तो को समझ नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटर्स सही नहीं है, मूवी के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब साउथ में तो फिर भी चलो ठीक ठाक कलेक्शन आ रहा है, वहां पे ठीक ठाक कलेक्शन आ रहा है, अच्छा कलेक्शन आ जाएगा, बट हिंदी की बात करें भाई, जिस तरीके का एडवांस बुकिंग हुआ है ना, जिस तरीके का एडवांस बुकिंग हुआ है, मुझे तो लग रहा है भाई 10 लाख का भी मुश्किल से कलेक्शन आएगा इसका, 10 लाख का भी मुश्किल से इन हिंदी। अब अगर इस मूवी को अच्छे से भाई इसको रिलीज करते ना हिंदी में, तो आराम से 2-3 करोड़ तो आराम से लाती थी, बट इतना इसको स्क्रीन ही कहाँ पे मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है चलो ठीक है यार, बट क्या ही करे। अच्छा ये इसमें भी दिखा रहा है, रिपोर्ट दिखा रही है इतना स्क्रीन इसको मिला है, बट अगर रियलिटी में देखते हो तो इतना स्क्रीन भी इसको नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आप देखते हो बुक माई शो पे जाते हो टिकट बुक करने के लिए तो भाई वहां पर सोर्स गायब है,
हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल मैं देख रहा था भाई एक थिएटर में दिख रहे थे 500-600 लगे हुए थे एक थिएटर में, आज मैं देख रहा हूँ सारे के सारे शो कैंसल। एंड आई डोंट नो ये कौन से हिसाब की पॉलिटिक्स चल रही है, कौन से हिसाब की, क्योंकि अब मेरे को नाइट का सोचा है, मेरे को इवनिंग का सोचा है, वो जो थिएटर में शो गायब हो चुके हैं क्योंकि लगे ही नहीं है। एंड जो थिएटर में लगे शाम के 6 बजे तक के लगे, 5 बजे तक के, 5 बजे के शो, 6 बजे के शो, 9 बजे के शो है। एंड कुछ इतने ज्यादा शोज भी नहीं है कि भाई आप कह सको कि भाई मतलब जबरदस्त मजा आएगा। यार देखो साउथ की बात करते हैं, साउथ में अच्छा कलेक्शन निकल के आने वाला है, ऑलमोस्ट आप 7 करोड़ का आज कलेक्शन आएगा। अब इसमें हिंदी भी जोड़ रहा हूं क्योंकि हिंदी में से 7-8 लाख का कलेक्शन आएगा या फिर 10 लाख आ जाएगा, इससे ज्यादा आने नहीं वाला, तो मैं उसको इसमें जोड़ दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि संडे के दिन कार्तिकेया 2 ऑल लैंग्वेजेस में 7 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। अब देखो इसको स्क्रीन भी इतना नहीं मिला है, इसको ज्यादा स्क्रीन मिला होता डबल डिजिट में आता था, पहले दिन भी कुछ 6 करोड़ के आसपास था, फिर 7 करोड़, मतलब 15 करोड़ टोटल आप समझो इसका 15 करोड़ के आसपास इसका 2 दिन में कलेक्शन हुआ है। अब मैं आपको यहां पर एक ट्विस्ट देता हूं, एक चीज समझाता हूं। देखो मूवी कितना भी बड़ा हो भाई, कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा मूवी है, KGF हो, RRR जैसा मूवी हो, बॉलीवुड का कोई बड़ा मूवी हो, कोई भी मूवी हो भाई, उसका जो वीकेंड होता है ना, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, फ्राइडे को कलेक्शन आता है, सैटरडे को और ऊपर जाता है, संडे को और ऊपर जाता है, उसके बाद ना 50% गिरता है, 50%। एंड कार्तिकेया 2 अब आप लोग बोलो कि हिंदी में मंडे को 100 बढ़ जाएंगे और मंडे को हाउसफुल करा देंगे, ये नहीं होता, क्योंकि मंडे से पब्लिक जाएगी भाई, जो काम धंधा करते हैं काम पे जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे कॉलेज जाएंगे, तो मंडे को तो डेफिनेटली भाई कलेक्शन और डीप जाता है। तो अब मंडे को इसका स्क्रीन बढ़ा भी देंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है भाई। इसका मैं आपको टोटल बता रहा हूं, आज अगर संडे को या 7 करोड़ का कलेक्शन करते हैं तो मंडे को हो सकता है कि भाई ये 3-4 करोड़ पे आके अटकेगा। एंड हिंदी में अब स्क्रीन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता। आप बोलोगे कि भाई अगले संडे को देखने के लिए चले जाएंगे, भाई ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। देखो भाई सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी बोलो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सोशल मीडिया पे तो आप पिछले 8 दिनों से चिल्ला रहे हो हम इसको ये कर देंगे, हम इसको ब्लॉकबस्टर बना देंगे, बट अभी तक आप लोगों ने इसको ब्लॉकबस्टर बनाया नहीं है। चलो यार छोड़ो, जितने सोर्स इसको मिले उतने भी अभी तक हाउसफुल नहीं हो रहे, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, जितने सोर्स इसको मिले उतने भी हाउसफुल नहीं जा रहे, उतने भी भाई ऑलमोस्ट हाउसफुल भी नहीं है, उसको भी हिंदी में हाउसफुल नहीं करा रहे। और साउथ में इसका क्रेज दिख रहा है, बट हिंदी ऑडियंस के अंदर इसका क्रेज सोशल मीडिया पे दिख रहा है, बट उनको इन थिएटर अपना पिछवाड़ा उचक के थिएटर में नहीं जाना, ये रियलिटी है। एंड अभी भी आप बोलोगे कि भाई कल से स्क्रीन बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बोल रहे थे इसका स्क्रीन डबल होगा, पहले दिन इसका कलेक्शन कितना आया था, 7-8 करोड़ के, 7 करोड़ के आसपास था, आई मीन 6-7 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन था फर्स्ट डे का। इसको हिंदी में तो कोई स्क्रीन नहीं मिला, हिंदी को भूल जाओ, हिंदी को भूल जाओ। अब आप बोलते हो कि भाई स्क्रीन डबल हो गया, तो मैंने आपको बोला था अगर स्क्रीन डबल हो रहा है ना तो इसका डबल डिजिट में कलेक्शन जाना चाहिए। बहुत लोग बोले थे स्क्रीन डबल हो जाएगा, स्क्रीन डबल हो जाएगा, जो स्क्रीन डबल हुआ है तो भाई एटलीस्ट 10 करोड़ का तो कलेक्शन होना चाहिए टोटल, नहीं हो रहा है, सिंगल डिजिट में ही है, तो कौन सा स्क्रीन डबल हुआ, आप लोगों ने कौन सा सपोर्ट किया इस मूवी को भाई। देखो ये सब सिर्फ बोलने के काम होते, स्क्रीन डबल हो गया, स्क्रीन ट्रिपल हो गया, अल्लू अर्जुन ने सपोर्ट किया है, डेफिनेटली किया है, उसको स्क्रीन मिला है, बट साउथ के अंदर मिला है, हिंदी में अल्लू अर्जुन का बस नहीं चलता, हिंदी में आके अल्लू अर्जुन स्क्रीन दिला देगा ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले बोला था अगर स्क्रीन डबल हुआ है तो भाई इसका कलेक्शन डबल होना चाहिए, तो कलेक्शन डबल कहां हुआ है, वहीं के वहीं पे, क्योंकि भाई सैटरडे को आपने जितना कमाई किया संडे को भी आप उतना ही कर रहे हो, संडे भाई ऐसा वीकेंड होता है, ऐसा दिन होता है कि भाई कमाई तो भाई इंक्रीज होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, अगर आपने 7 करोड़ कमाया तो 10-11 करोड़ कमाने चाहिए, बट वहीं पर अटके हुए तो कौन सा स्क्रीन डबल हुआ, अब मेरे को बताओ आप लोग। एंड देखो आज का दिन अगर इस मूवी का कुछ नहीं हुआ तो भाई मंडे से तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। एंड मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि भाई ये हिंदी में उसको स्क्रीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एंड मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, अगर आज इसने कलेक्शन नहीं किया ना तो मंडे से आप भूल जाओ कि मूवी हिंदी में लगेगी और आप इसको सपोर्ट कर पाओगे। एंड मंडे को अगर लग भी गई ना तो भाई पब्लिक इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं चाह पाएगी, बिकॉज मंडे से एक ऐसा दिन होता है ना कि भाई पब्लिक कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है, कोई जॉब करने के लिए जा रहा है, तो मंडे से भाई कोई भी मूवी अप नहीं जाती है, वो सीधे डाउन ही जाती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।